So once again, welcome to this daily live session of Unacademy CAT. My name is Ronak Shah and let's continue practicing more questions from this Basics of Math series that I have started for CAT 2021 or CAT 2022 and IPMAT aspirants, right? So I'm sure all of you are ready. Once again, there was a bit of gap in between because I was traveling, but now I'm back and we'll have uninterrupted learning. So quickly show me a thumbs up so that we can get going, guys. And it's always very exciting to be with you guys. Right. Okay, so where am I? Just a moment. Hi, good afternoon, guys. Hi. So main gayab ho gaya tha, pata nahi kaise. So abhi main wapas aa gaya. Yes, Jignesh, thanks for the hashtag. Yeah, so let me quickly see who all are present. I can see many students, guys. I'm really sorry once again to have kept you waiting for 5 minutes. Our session is 5 to 6 minutes late, actually. Ye kya chat chal raha hai, as usual, Jat aur ye wo. Hi, Siddharth. Right. Hi, Mili, Harshit, Apurva, Priyanshi, Shubham, Shalini, Churchill. Okay. Hi Ankit, Jyoti, Ashish. Good to see all of you guys. Hi Ritik. Yes, hi Suhana, Rose, Prachika, Nidhi, Jignesh, Anand, Akshay, and there are so many other students, guys. So let's have amazing learning. Last time humne kya kiya tha, yaad hai? What was the topic that was discussed, guys? Come on, jaldi se mujhe bata do ek bar. Yes, क्या टॉपिक किया था हमने? If you can quickly tell me. परसेंटेज नहीं मिली, परसेंटेज के बाद हमने कुछ किया था, प्रॉफिट लॉस नहीं किया था क्या? गाइस, वी हैड डिस्कस प्रॉफिट लॉस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ, प्रॉफिट लॉस किया था दोस्तों. ठीक है, सो जल्दी से आज आगे प्रॉफिट लॉस के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है. गाइस देखो, ये सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपने आज से जस्ट ज्वाइन किया है तो ये सेशन का ऑब्जेक्टिव बता देता हूं कि हमारे कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, जो इजी वाले कैट में क्वेश्चंस आते हैं वो जल्दी से हमसे टैकल होने चाहिए. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाना. तो ये सीरीज ऑफ सेशंस जो है वो खास करके नॉन इंजीनियर्स, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ही हेल्पफुल हो गया. ऑफकोर्स इंजीनियर्स आर ऑल्सो अटेंडिंग दिस एंड आई एम गेटिंग मैसेजेस दैट दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड. सो एवरीवन विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस सीरीज ऑफ सेशंस. ओके, तो जल्दी से अपना रिजोल्यूशन अच्छा सेट कर लेना. मेक श्योर यू आर वॉचिंग मी एट 360p और 480p, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिखे, ब्लर ना दिखे. गाइस कोड नोट कर लो सबसे पहले. तो क्या कोड है? SHA-10 किसके लिए यूज करेंगे? हाँ, ये इसका पर्पस क्या है, किसके लिए यूज करेंगे गाइस? ओके, जस्ट अ सेकंड. सो एक 2 मिनट लगेंगे गाइस, ठीक है. सो हमें टास्क मैनेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड टास्क करना पड़ेगा क्योंकि पीपीटी स्टक हो गई है. पर कोई इश्यू नहीं है, जल्दी से हम वापस आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स 9 सेशन. सो पीपीटी को वापस ओपन कर दिया. यस आनंद किशोर, देयर इज डेफिनेटली अ टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो टेलीग्राम ग्रुप क्या है. ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नीचे की तरफ, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है दोस्तों. द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन. इनफैक्ट आसान एंटरटेनमेंट ने डाल भी दिया, बट वो गलत है. आसान एंटरटेनमेंट आर ओ फिर स्पेस क्यों डाल दिया और फिर अंडरस्कोर क्यों डाला, वो गलत है. देखो ये वाला है, ठीक है, नहीं हाँ अभी सही डाला, ग्रेट. इतने सारे स्पेस हैश क्या क्या डाल दिया था,
राइट ओके, बट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो SHA10 कोड यूज करना अगर आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरे फ्री सेशंस अटेंड करने हैं तो भी आप ये कोड को यूज कर सकते हो अनलॉक करने के लिए वो सेशंस को। एंड कॉम्बैट में जब आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको पता है वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट होते हैं, तो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आप ये कोड को यूज करना। चलो गाइस, वन वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, विच ऑफर इज बेटर अमंग दिस थ्री ऑफर? आरओ पानी में होता है रोनक। ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। आई अंकित, गुड आफ्टरनून, गुड टू सी ऑल ऑफ यू गाइस वंस अगेन। लेट्स कंटिन्यू विथ अ सीरीज ऑफ सेशन। Which offer is better? Buy 5 get 2 free, flat 30% off. Guys, come on. Check करो कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको actually. Let's call it offer number 1, offer number 2, offer number 3. गाइस, फ्लैट 30% ऑफ तो आपका सीधा 30% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं नेट डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट तो उसमें तो सेम रहेगा। 20% प्लस 15% क्या होता है गाइस? यू विल सी दिस काइंड ऑफ ऑफर्स ऑन मेनी शॉप्स, ठीक है। कुछ जगह पे आपको 50% प्लस 50% डिस्काउंट लिखा रहता है, तो लोग सोचते हैं 100% डिस्काउंट मिल गया, सब फ्री में मिल रहा है, दौड़ पड़ो। वैसा नहीं होता है। सो गाइज, अगर आपको ये डिस्काउंट देखना है 20% एंड 15%, तो क्या आएगा? तो 100 रुपीज पे पहले 20% डिस्काउंट दे दो, तो 20% डिस्काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। अब उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दे दो तो 12 रुपए और कम हो जाएंगे और ये 68 आ जाएगा। सो नेट डिस्काउंट इज 32% फॉर श्योर। Do you agree with this guys? Net discount is 32%. Everyone, क्या ये समझ में आया सबको? So यहां पे 32% आ रहा है, definitely this is better than this one. And buy 5 get 2 free. मैंने हमेशा बताया था discount in such offers is always free upon total into 100. तो guys, buy 5 get 2 free मतलब total आपको कितने garments मिले? You are getting total 7 garments, 7 clothes. राइट एंड उसमें से फ्री कितने आए? 2, तो 2/7 × 100%, सो ये आ जाएगा आपका 28.56%। तो गाइस ये आ जाएगा 28.56% डिस्काउंट। सो डेफिनेटली दिस सेकंड ऑफर इज अ बेटर ऑफर गाइस, दिस इज द बेस्ट ऑफर, लूट लो। क्या ये समझ में आया? यस प्राचिका, 213 प्राचिका ने सारे ऑफर असेंडिंग ऑर्डर में रख दिए। 38% नेट किस में आ रहा है अनुपम? वो गलत है, 38% तो किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या ये सबको समझ में आया? जल्दी से मुझे एक बार थम्सअप दिखा दो। और काफी दिनों से मतलब बहुत ज्यादा लाइक नहीं मिले हैं, तो आज दबा के लाइक करो सब लोग, ठीक है। सेशन ही नहीं हुए तो लाइक कैसे मिलेंगे? तो कम ऑन गाइस, सबसे पहले आज लाइक बटन दबाओ फॉर दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ सेशन। और आगे के 15 दिन ये चलने वाला है कंटिन्यूस, अभी सिर्फ संडे को नहीं रखेंगे, सैटरडे संडे शायद थोड़ा सा टाइमिंग चेंज रहेगा या नहीं रहेगा, बट मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूस चलेगा। एनडीए टक्का सफर, ये क्या लिख रहे हो भाई? स्पैम मत करो एनडीए, स्पैम मत करो, नहीं तो बैन कर दिए जाओगे, ठीक है। स्पैम किया यार, मतलब समझते नहीं हो आप लोग, ठीक है। या चलो दोस्तों, सो लेट्स गो अहेड गाइस। कोई भी अगर एक मैसेज 2-3 बार डालेगा, स्पैम करेगा, ट्रस्ट मी आप मैसेज नहीं कर पाओगे चैनल पे फिर, ठीक है। तो ये काम मत करो दोस्तों, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। राइट, सो गाइस लेट्स कंटिन्यू विद बेसिक्स ऑफ क्वांट्स एंड या नंबर्स एंड कैलकुलेशन, एचसीएफ एलसीएम ये सारा हमने कर दिया। परसेंटेजेस में अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसके बाद SICI आएगा, ठीक है। पर अभी के लिए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ठीक है।
ओके चलो सो इन केस इफ यू आर न्यू टू माई सेशन गाइज दिस इज अ बिट अबाउट माई सेल्फ वंस अगेन क्विकली टेक अ ग्लांस एट माई प्रोफाइल कीप लर्निंग ऑल द सब्जेक्ट्स विथ मी गाइज एंड येस वंस अगेन दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप तो जल्दी से ज्वाइन कर दो लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड रोनक अंडरस्कोर लाइव इज माई आई डी बट ये आई डी किसके लिए है गाइज ऐसे मत मुझे मैसेज करो कि सर एक बुक भेज दो सर ये लिंक भेज दो सर ये कैसे करो ये सिर्फ अगर आपको मेरा प्लस बैच ज्वाइन करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे पिंग करना बाकी सारी क्वेरीज क्वेश्चंस ये वो कुछ भी है टाइम टेबल आप ग्रुप में डालो आई विल एड्रेस इट और माय फ्रेंड्स माय सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल एड्रेस इट ओवर देयर ठीक है या ओके एवरीवन ग्रेट चलो सो गाइस जल्दी से टाइम टेबल देख लो क्या है सो यू नो क्वांट आपका हर रोज एडवांस वाला क्वांट जो है वो शाम को 6 to 7 रहेगा ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स तो मॉर्निंग में रहेगा ही रहेगा एंड उसके अलावा 4 बजे LRDI सेशन हो गए विच वुड बी हेल्पफुल फॉर कैट एज वेल एज आई पी मैट स्टूडेंट्स राइट तो आप सब लोग इसको अटेंड करना या नहीं ये कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं ठीक है जले हुए करेले राइट तो गाइज कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करो यू कैन ऑल्सो विन स्कॉलरशिप्स SHA10 यूज करना कोड जरूर से भूलना मत चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन गाइज क्विकली माय गॉड मतलब कितने आईडी बनाए हैं इस बंदे ने कितने आईडी बनाए हैं राइट चलो सो फॉर्मूला वाली क्लास YouTube पे होगी या अनअकैडमी पे YouTube पे या इट विल बी ऑन YouTube ठीक है ये लोग जो है ना ये कायर लोग है मतलब इनमें इतनी तो गट्स है नहीं कि आके ओपनली दिखाए ऐसे छुप छुप के यू नो कीड़ा करते रहते हैं राइट right, मतलब व्हाट टू से अबाउट दिस पीपल कम ऑन खाली खाली डिस्टर्ब कर रहे हैं So guys, इसका आंसर क्या आएगा चलो जल्दी से गाइज एवरी वन नाउ इग्नोर यू इग्नोर देम ठीक है सो मैंने एक बंदे को बिठाया हुआ है वो सीधा देखते ही इनको गोली मार देगा ठीक है गायब कर देगा इनको शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया इनको राइट अ शॉपकीपर सोल्ड अ टूथपेस्ट एट प्रॉफिट ऑफ 12.5% हिज कॉस्ट प्राइस वॉज ₹5 लेस देन हिज सेलिंग प्राइस सो हिज कॉस्ट प्राइस इज गाइज वेरी सिंपल 12.5% ठीक है इज इक्वल टू ₹5 तो 100% कितना आ जाएगा गाइज तो सीधा 8 times करना होता है 8 times करना होता है तो यहां पर भी 8 times कर लो कितना हो जाएगा ₹40 करेक्ट इट विल बी ₹40 वेरी सिंपल नहीं ज्योति क्यों ऐसी गड़बड़ी क्यों हो रही है सिंपल गाइज देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है ध्यान से समझो फिर से एक बार 100% होती है एवरीवन अगर मेरा प्रॉफिट 5% है तो मतलब मेरा सेलिंग प्राइस सॉरी मेरा प्रॉफिट 12.5% है ठीक है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा 112.5% ऑफ कॉस्ट तो डिफरेंस आपका प्रॉफिट के बराबर ही होगा विच इज इक्वल टू ₹5 तो 100% ये आ जाएगा इट्स वेरी सिंपल अभी देखो पियर्सन की कोई बात नहीं करेगा जो भी पियर्सन की बात करेगा वो बैन कर दिया जाएगा तो भले ही ये बुक कितना भी अच्छा क्यों ना हो लेकिन आज के दिन के लिए पियर्सन वर्ड मुझे दिखेगा एक और बार ठीक है तो मेरी टीम उसको शूट एट साइट कर देगी राइट तो बस आज के लिए वो सवाल मत पूछो कल पूछ सकते हो या ग्रुप पे पूछो ना यार अभी पढ़ना है तो पढ़ने बैठो यार ये क्या सवाल पे सवाल किए जा रहे हो इफ यू आर स्मार्ट यू आर गोइंग टू फिगर आउट बाय योर ओन ये बुक अच्छा है वो बुक अच्छा है ये सवाल ही मत करो यार
मैंने आज तक किसी भी 99% डायलर या 95% डायलर को ये पूछते हुए नहीं देखा है, सर कौन सा बुक अच्छा है। उसमें इतना दिमाग होता है जो खुद से फिगर आउट कर लेता है कि यार ये बुक में अच्छे क्वेश्चन है, ये बुक में ऐसे क्वेश्चन है। बट ठीक है, आपके आपके मान को सम्मान करते हुए मैं आंसर भी दे देता हूँ। बट गाइज, इफ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, इफ यू आर टिपिकली एन IIM कंटेंडर, ट्रस्ट मी, आप कभी कुछ सवाल नहीं पूछते हो। तो प्लीज स्टॉप आस्किंग सच क्वेश्चंस, रादर स्टार्ट डिसाइडिंग इट बाय योरसेल्फ। और सारे बुक्स फ्रीली PDF अवेलेबल है, आप खुद से भी उसको चेक कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो परचेज कर लिया, पैसे चले गए तो ये डर रहता है। अरे पहले PDF देख लो यार, फिर लगे तो ऑर्डर करो, राइट? हाँ चलो, रोहित सोल्ड हिज बाइसिकल एट 4% प्रॉफिट, he sold it at 204 loss. If he sold it for 204 loss, he would have incurred 30% loss, right? Yeah, so his cost price is guys, yahan pe aapko simply cost price nikal dena hai, kuch nahi karna hai, 600 rupees seedhe seedhe aa jayega. nahi, thoda sa ambiguous question lag raha hai ye to. नहीं नहीं गाइज, जस्ट यू नो ये इग्नोर करो। इफ ही सोल्ड इट फॉर 204 लॉस, ही वुड हैव इनकर्ड दिस वन, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑफ नो यूज। अब सिर्फ इतना देखो, 30% लॉस और 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 204, ठीक है? तो 100% कितना आएगा? बस गाइज इतना ही सॉल्व करना है, इतना ही सॉल्व करना है आपको, दैट्स इट। देखो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है दोस्तों, इट इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो कितना त्रीजा आपका 204 होता है दोस्तों? हाँ, 680 शुड बी द कॉस्ट प्राइस गाइस, द कॉस्ट प्राइस शुड बी 680, दैट्स इट, सिंपल। यहां पे ये प्रॉफिट मेरा क्या हुआ उसका कोई लेना देना ही नहीं है गाइस। अगर मैं 204 रुपए, सॉरी गाइस गाइस जस्ट अ मोमेंट, इट्स नॉट लॉस, इट्स लेस, ओके, इट्स लेस, आई एम सॉरी, नो, इसका रोल है। देखो यहां पे हम कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं दोस्तों 100x, लेट्स मेक इट सिंपल, 100x मैंने ले लिया, प्रॉफिट मेरा है 4%, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 104x आ जाएगा दोस्तों। इट्स नॉट लॉस, इट्स लेस, आई मिसरेड दैट गाइस, आई एम करेक्टिंग दिस क्वेश्चन, वंस अगेन पे योर अटेंशन। 100x, 4% प्रॉफिट, तो 104x में हो गया। अगर मैं इसको 30% लॉस में बेचूंगा, गाइस, तो 100x की चीज को मैं कितने में बेचूंगा? 70x में बेचूंगा कि नहीं? Won't I sell it at 70x? तो ये डिफरेंस कितना हो गया? 34x का हो गया, विच इज इक्वल टू दिस 204। तो x आपका कितना आ जाएगा? 6, तो 100x कितना आ जाएगा गाइस? 600 आएगा। द आंसर इज डेफिनेटली 600। ऑल दोज हु सेड 600, दे वर करेक्ट, ठीक है, दे वर करेक्ट। हर्ष, यू नो एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप कोई भी कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर रहता है, कैट या IPMAT दोनों में। ठीक है गाइज, एक कमेंट है, समवन हैज मेंशन दिस इज रॉन्ग, इफ आई ज्वाइन योर प्लस बैच ओनली देन यू एड्रेस डाउट्स और यू विल नॉट एड्रेस, सो यू नो देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टिंग मी टू आंसर देयर क्वेरी, राइट? सो इट इज यू नो वेरी अनॉइंग दैट यू गाइज आर पुटिंग ब्लेम ऑन मी गाइज, के मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू टेल यू के सर मुझे इसके लिए गाइड कर दो, उसके लिए गाइड कर दो। आई एम गेटिंग इन अ सिंगल डे गाइज, आई एम गेटिंग अबाउट 50 to 60 रिक्वेस्ट फॉर फ्री गाइडेंस, 50 to 60 रिक्वेस्ट फॉर फ्री गाइडेंस गाइज, हाउ कैन आई डू इट? मैं सिर्फ आपके क्वेरी ही एड्रेस करता रहूंगा, दूसरा मैं एक दो क्वेरी तो आंसर करता हूं, लेकिन आपको भी पता है पहला क्वेश्चन आएगा, सर यू नो आपके सेशन सफिशियंट है? ओके, मैं कहता हूँ येस, इट विल बी गुड इनफ, यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल मोर फ्रॉम दिस वन। आई नेवर से के ज्वाइन माई प्लस,
फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, सर मेरा मैथ्स वीक है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं कहता हूँ बेसिक से शुरू करो। सर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं छोड़ सकता हूँ? तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एंड द क्वेश्चन गोज ऑन, मतलब मेरा दिन खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हो गए। एक स्टूडेंट की ये बात है, द मोमेंट आई स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन दे एक्सपेक्ट मी टू आंसर एवरी क्वेश्चन। एंड द पॉइंट आई मेंशन कि भाई अभी तेरे को अगर और गाइडेंस चाहिए तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन माय प्लस बैच वेयर आई प्रोवाइड पर्सनल गाइडेंस। सो दे सेड कि सर आप तो प्लस प्रमोट कर रहे हो। आई मीन गाइज कम ऑन, बी रीजनेबल, ठीक है, बी रीजनेबल गाइज, मतलब इतने इतने भी मतलब वो मत हो जाओ यार। और ये सेशंस आप लोगों के लिए है। एम आई चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस सेशंस? और इज अनअकैडमी चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस सेशन? नो, यू आर फ्री टू लर्न बट यू कांट एक्सपेक्ट मी टू आंसर योर क्वेरीज। यार 50-60 क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा, ठीक है। आई शो सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ वन सच ट्रेल। मैंने एक का आंसर करना शुरू किया, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, खत्म ही नहीं होते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इनफैक्ट जस्ट एक चीज और बताता हूं, एंड ये तो मेरे साथ हर रोज होता है, टिल द टाइम द कैट रिजल्ट्स आर आउट। कैट रिजल्ट्स जब से आउट हुए हैं, यू नो स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर मेरे पास यू नो ये वाला है, दो फालतू कॉलेज हो गए, कॉलेज ए एंड कॉलेज बी, सर इसमें कौन सा बेटर है? अब पहले तो दोनों खराब है, तो भी मैं कहता हूं कि भाई ये थोड़ा सा बेटर है तो ये हटा दिया। फिर शाम को ही मैसेज आएगा, सर ये ए अच्छा है या सी अच्छा है? मैं कहता हूँ अभी सी वाला अच्छा है। फिर नेक्स्ट डे मैसेज आएगा, सर सी एंड डी में कौन सा अच्छा है? फिर मैसेज आएगा, सर डी एंड ए में कौन सा अच्छा है? मतलब मैं गोल गोल ही घूमता रहूंगा। गाइस दिस इज व्हाट कीप्स हैपनिंग। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू आंसर योर क्वेरीज, राइट? एंड देन दे पोस्ट मैसेज लाइक दिस, रितिक यू आर आस्किंग मी टू डू सम प्रेडिक्शन, ठीक है, एज इफ आई एम सम बाबा विच आई एम नॉट। मतलब मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूं? मोस्ट लाइकली इट विल बी ऑन टू आवर पैटर्न द वे द पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, ठीक है। टू आवर पैटर्न उन्होंने क्यों किया था? सो दैट दे कैन गेट टाइम टू सैनिटाइज द फैसिलिटी। सेकेंड, एक दिन में तीन स्लॉट कर सके और हर एक स्लॉट में कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रख सके, तो सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन कर सके। तो पेंडेमिक का सिचुएशन कैसा रहता है? ऐसा भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट बिकम्स वेरी एक्टिव एंड इन नेक्स्ट टू मंथ से बाय जुलाई एंड, ठीक है, बाय जुलाई एंड एवरीवन इज वैक्सीनेटेड, थ्री मंथ्स एवरीवन इज वैक्सीनेटेड एंड सडनली द केसेस हैव ड्रॉप लाइक एनीथिंग, तो एवरीवन इवन द कॉलेजेस विल स्टार्ट एंड आईएम पीपल विल ऑल्सो रिस्टोर देयर ओल्ड पेपर पैटर्न। आर गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, तो काफी सारे ये पॉइंट्स है, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग गाइस। चलो लेट्स गो अहेड विद दिस वन, जल्दी से, इजी क्वेश्चन है गाइस, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बट प्लीज वेट फॉर एग्जैक्ट अनाउंसमेंट टू कम, ऑगस्ट फर्स्ट वीक एवरीथिंग विल बी क्लियर बिकॉज CAT notification will come in the first week of August. Right. Guys, the cost price of 40 articles is equal to selling price of 50 articles. Then the gain or loss percent. अभी हमने ये काफी बार किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या जाएगा? Loss हो जाएगा या gain जाएगा? ठीक है? आपने देखो 50 article बेचे. बेचे कितने article? 50 article. Selling price 50 article. Cost price 40 article. मतलब यू आर जस्ट एबल टू रिकवर कॉस्ट ऑफ 40, सो लॉस इज इक्वल टू 10 आर्टिकल, योर लॉस इज इक्वल टू 10 आर्टिकल ऑन 50 आर्टिकल, सो 50, 10 ओवर 50 इनटू 100, इट इज गोइंग टू बी 20% लॉस, द लॉस इज गोइंग टू बी 20% गाइस। अभी क्लियर, राइट एवरीवन? ओके, यस, चलो लेट्स गो अहेड। या सो गाइस जल्दी से आपको बता देता हूं कि प्लस बैचेस तो है ही है, यू कैन ज्वाइन माय प्लस बैचेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गाइस, इट्स अ कंटिन्यूअस मॉडल। दिस प्लस बैच मॉडल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कोचिंग एकेडमीज बैचेस, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड देयर आर मेनी अदर न्यू एजुकेटर्स बैचेस आर कमिंग अप, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई कोड चार्ट 10,
These are the plans. Keep learning, guys. Okay, sure. Here is the next question. Here is the next question. A sold an article to B at 10% profit and B sold it to C at 15% loss. If the difference in the purchasing prices of A and C is 58.5, the cost price of B is how much? Do you all agree with this, everyone? कि यहाँ पे 10% profit है, यहाँ पे 15% loss है. So 15% means 11 plus 5.5, that is 16.5x. तो subtract करो आपका 93.5x आ जाएगा. Now they are saying difference between the purchasing price of A and C is 58.5. So guys, this difference is 58.5. So this is nothing but 6.5x is equal to 58.5. Easily pata chal jayega ki x will be 9. X will be 9. Correct? Do you all agree with this, guys? Yes, Siddharth, that's correct. 990, Izan, that's correct. No, Abhishek Singh, 1600 nahi aayega. Theek hai? ये 20% विष्णु और या विष्णु 20% क्यों डाल रहे हो, वो तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है. सो मेक श्योर दैट यू आर लाइव. ओके, यू आर लाइव गाइस, प्लीज मेक श्योर. ओके राइट गाइस, तो यहां पे बी का कॉस्ट प्राइस पूछा है, सो इट इज 990. राइट, दिस इज 990. Sure, let's look at next one. A trader loses 15% if an article is sold for 102. Find the selling price of the article to gain 20%. Guys, kya aayega? Can you do it without using pen and paper? Try to do it without using pen and paper, guys. Put it aside. Try to do it with mental calculation. This is how you can improve your speed. Yes, very simple. 144, isn't that? Guys, 15% loss, matlab 85x is 102, right? So, aapko 20% gain, matlab 120x find karna hai. Theek hai? Can I say 15% loss, matlab 85x hai, right? Haan. अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100x ले लेता हूं तो 15% लॉस इज 85x, राइट? ओके, तो गाइस ये आपका कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा कितना आएगा, 6/5, राइट? x विल बी 6/5, राइट? सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 6/5 ऑफ दिस, सो इट विल कम आउट टू बी 144x, राइट? चलो ट्राई फॉर नेक्स्ट. Yes, guys. Sure.
अनुभव मार्क्स हिज रेडियो एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस. ही देन सोल्ड इट आफ्टर ऑफरिंग अ 40% डिस्काउंट. इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 640, हिज सेलिंग प्राइस इज. राइट ओके गाइस, देखो एक चीज समझो, अगर आप 40% कोई चीज को इंक्रीज करते हो और फिर सब्सिक्वेंटली 40% डिक्रीज करते हो, सो देयर विल बी ओवरऑल 40 स्क्वायर अपॉन 100. ठीक है गाइस, आपको ओवरऑल यू नो 40 स्क्वायर अपॉन 100% का डिस्काउंट मिलेगा. आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे आपको मतलब ओवरऑल 16% का रिडक्शन होगा. राइट, सो ओवरऑल डिस्काउंट नहीं कह सकते, ओवरऑल रिडक्शन. अगर आप 40% इंक्रीज करोगे फिर 40% डिक्रीज करोगे, तो देयर विल बी नेट डिक्रीज ऑफ 16%. तो गाइज, अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपकी 100x है, ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस आपकी क्या आ जाएगी, यहां पे 84x आ जाएगी. गाइज, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 100x है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 84x, क्योंकि आपने पहले ऊपर मार्क किया था इसको 40%, फिर डिस्काउंट दिया 40% का, तो आपकी ये आ जाएगी. तो डिफरेंस कितना हुआ, 16x. तो दिस इज योर लॉस, योर लॉस इज 16x विच इज 640. तो x आपका आ जाएगा 40, x विल बी 40. सो गाइज, व्हाट इज 84 into 40, 84 into 40, दिस इज योर आंसर. मयंक ही सेइंग सर 16% वाला लॉजिक बताना. चलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन बता देता हूं, बिल्कुल हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास ही बेसिक्स ऑफ मैथ्स का है. तो अगर आपको यस राइट राइट गाइस सुनो एक सेकेंड. सो अगर आपका बेसिक्स आपको इंप्रूव करना है तो उसी के लिए तो हमने ये सीरीज रखी है दोस्तों, पहला. ठीक है, और अगर यहां पे आपको कोई छोटे से छोटे पॉइंट में दिक्कत है गाइस, फील फ्री टू आस्क मी. ठीक है, जैसे यहां पे मयंक को एक चीज समझ में नहीं आई, सर ये 16% कैसे आया. दोस्तों आप ये मानते हो कि हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, यहां पर क्या कहा है कि एक बंदे की कॉस्ट 100x है, उसने 40% ऊपर मार्क किया, मतलब उसने मार्क प्राइस क्या रखा होगा 140x, फिर उसने उसके ऊपर 40% का डिस्काउंट दिया. तो गाइज, अगर मैं 140x के ऊपर 40% का डिस्काउंट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 56x कम हो जाएगा. यू अग्री विद दिस? तो ये कितना आ जाएगा, 84x आ जाएगा. 100x की चीज को 84x में बेचेंगे तो 16x का लॉस जाएगा, विच इज 640. लॉस इज गिवन एज 640, तो इससे हमें 84x मिल जाएगा. ठीक है, अगर ये इतना है तो ये कितना आएगा, आप सीधा फाइंड कर सकते हो ना. इसकी जगह पे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, अगर आप एक्स परसेंट से इंक्रीज करते हो और फिर एक्स परसेंट से डिक्रीज करते हो, गाइस नेट चेंज विल ऑलवेज बी एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का चेंज. द नेट परसेंटेज चेंज विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 100% चेंज. क्या ये सबको समझ में आया, जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो दोस्तों. आप सीधा कर सकते हो, अगर मैं x परसेंट इंक्रीज करता हूं, x परसेंट डिक्रीज करता हूं, हमेशा x square upon 100% डिक्रीज होगा. देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ x square upon 100%. एक्सीलेंट. चलो, सो गाइस बिफोर वी गो अहेड, जस्ट एक आखिरी पॉइंट बता देता हूं अबाउट दिस प्लस. सो देयर इज वन ऑफर गोइंग ऑन कि अगर आप 6 months का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अभी 6 months सब्सक्रिप्शन, आपको 1 month एक्स्ट्रा मिल रहा है. जैसे डिश टीवी में ऑफर होता है ना, वैसा ही एक ऑफर हमारे यहां भी चल रहा है कि 6 months पे 1 month फ्री. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट दैट यू आर गेटिंग ओवर इन दिस बंपर ऑफर, जल्दी से गाइज. लगे हाथों ये भी बता दो, अगर आपको अनअकैडमी वाले 6 months पे 1 month फ्री दे रहे हैं तो व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट दैट यू आर गेटिंग, परसेंटेज डिस्काउंट दैट यू आर गेटिंग.
जल्दी से मुझे मुझे आपको पढ़ाना है, तो जहां पे भी मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा मैं उधर वो प्रॉफिट लॉस घुसा दूंगा, और आप बता सकते हो होने चाहिए। राइट, 14.28% का डिस्काउंट मिल रहा है, 14.28% का डिस्काउंट मिल रहा है गाइस, ये समझो। ठीक है, सब लोग अग्री करते हो? देखो, 6 months पे 1 month फ्री, ठीक है, तो आपको यहां पे मिल रहा है 14.28% का डिस्काउंट। राइट, ओके गाइस, मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं अभी के लिए, 15% कर देता हूं, राउंड ऑफ 15% कर लेता हूं, क्योंकि उसमें 1 month से थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, एक्चुअली आपको ज्यादा पीरियड मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 15% कर रहा हूं। अच्छा, एक और चीज है गाइज, आप SHA-10 अप्लाई करोगे, आप SHA-10 अप्लाई करोगे तो आपको और 10% डिस्काउंट मिलना मिलने वाला है। ठीक है ना, और 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। सो व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट दैट यू आर गेटिंग, व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट दैट यू आर गेटिंग, चलो कौन बताएगा मुझे ये? एक तो 6 months पे 1 month फ्री करने पे आपको 15% का डिस्काउंट मिला, 14.28 को हमने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है, राउंड ऑफ। और फिर SHA-10 अप्लाई करोगे दोस्तों तो आपको एक और डिस्काउंट मिलेगा 10% का, तो टोटल आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला? ओ जस्ट अ सेकेंड, हाँ या एवरीवन, इज इट ऑडिबल और देर इज स्टिल अ लैग, कैन यू प्लीज कंफर्म? या नाउ नाउ इट्स बेटर। देखो स्पीड देखो अच्छी है कि नहीं दोस्तों, इतना सुपर इंटरनेट कनेक्शन है, बट पता नहीं क्यों धोखा दे रहा है बीच बीच में। सो आई आई थिंक नाउ इट्स बेटर, राइट, कैन यू प्लीज कंफर्म एवरीवन? सो देर वॉज अ मोमेंट्री गैप, यस, इज इट बेटर नाउ गाइस? कम ऑन क्विकली कंफर्म सो दैट वी कैन कंटिन्यू। असन, मैंने तो ऐसा नहीं कहा है, तुम क्यों जबरदस्ती प्लस का मार्केटिंग कर रहे हो भाई? हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा है दोस्त, इंटरनेट फ्री या प्लस क्लास देख के नहीं जाता है ना? ओके, राइट, ये देखो मैंने स्पीड टेस्ट भी किया था, है ना? तो नाउ इट्स वर्किंग फाइन गाइस, चलो क्लियर, 100% क्लियर, चलो। हाँ गाइस, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट ऑफर कि आपको नेट कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, राइट? हाँ, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आपको, जल्दी से बताओ मुझे। नाउ फाइन, ओके, सो अराउंड, देखो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, नेट परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है ना दोस्तों। सो 100 रुपीज प्राइस है, उसमें पहले 15% कम हो जाएगा, ठीक है, तो 15% मतलब 15 रुपये कम हो गए, 85 हो गया, उसके ऊपर आपको और 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है, सो 8.5 कम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 76.5 आ जाएगा, मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है 23.5% का डिस्काउंट मिल रहा है टोटल डिस्काउंट। यस सिद्धार्थ, दैट्स करेक्ट, मतलब गाइस अगर 10,000 रुपये का अगर कोर्स है,
तो उसके ऊपर आपके 2,350 रुपए कम हो जाएंगे। देखो इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है। अरे भाई अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, कम ऑन। अच्छा जिसने भी लाइक नहीं दबाया है गाइस, प्लीज हिट द लाइक बटन, दैट्स योर वे ऑफ एप्रिसिएशन एंड इट मैटर्स अ लॉट फॉर मी, इट मैटर्स अ लॉट टू मी, ओके। जस्ट करेक्टिंग माई प्रपोजिशन ऑल्सो, राइट, ओके। So the profit made by selling 20 meter of cloth is equal to the selling price of 5 meter of that cloth. Find the profit percentage. Now this is a tricky question. This is a tricky question guys. Thoda soch ke karna. Right, come on guys. Please tell me what will be the answer for this. There is some lag, I believe. पता नहीं कुछ तो lag चल रहा है। क्योंकि आप लोग काफी पीछे चल रहे हो मेरे से। Okay, guys, चलो please tell me what will be the answer for this. Right, profit made by selling 25 meter of cloth is equal to the selling price of 5 meter of cloth. Find the profit percentage. कैसे करोगे इसको? Everyone was facing the buffer earlier. But now it's correct. Okay. Guys, यहां पर देखो profit made by selling 25% of cloth is equal to the cost price नहीं दिया है, it's not cost price of 5 meter cloth. देखो ये तब आता answer 20% तब आता जब हमारा profit 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट प्राइस के बराबर होता, ठीक है। बट हियर इट इज डिफरेंट, ओके। इट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, तो क्या करेंगे गाइस? क्यू 25% कैसे आएगा? कैन यू टेल मी व्हाई आर यू सेइंग 25%? एनी रीजन? देखो यहां पे आप कॉस्ट प्राइस है ना एक्स ले सकते हो, सेलिंग प्राइस वाई ले सकते हो, तो 25 की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 25y दोस्तों, 25y हो जाएगी। उसमें आपका प्रॉफिट कितना है? राइट, उसमें आपका प्रॉफिट कितना है? यस, एक्चुअली कृतिक एंड फ्यू अदर स्टूडेंट्स लाइक बुक फाइनी, so this two have given the correct answer. Ritik is also correct. Guys, answer is 25%. That's correct. The answer is 25%. Kyun? Suno, 25 ki selling price kiti ho jayegi? 25y. Usme aapka profit kita hai? 5y. So meri cost price kiti ho gayi? Can I say 20y is my cost price? So 20y pe aapko 5y ka profit mil raha hai. So 5y upon 20y. 5y upon 25 into 100. Guys, this is going to be 25% प्रॉफिट। क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों? राइट, हाँ। 5/20 करोगे यहां पे, 25 नहीं करोगे। नॉर्मली हम कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चन में? 5/20 करते थे, 5/25 करते थे। कब? जब अगर यहां पे ऐसा लिखा कि अ पर्सन सेल्स 25 बुक्स एंड मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स, मतलब 25 बेच के 5 के बराबर का प्रॉफिट कमाया, तो सीधा 5/25 करते। बट यहां पे क्या लिखा है? ही इज मेकिंग प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी 5/20। ये जो मैंने किया है,
क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? जस्ट शो मी अ थम्स अप इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. यस, क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? नहीं नहीं, गलत है सौरभ राठी. 5x25 नहीं कर सकते हो. यू कैन डू इट 5x25. वही तो गलती है, इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा था ये ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन गाइस, राइट? ओके चलो, ओके लेट्स ट्राई फॉर दिस. द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 16 मीटर ऑफ अ क्लॉथ equals the selling price of 4 meter of cloth. Find the loss percentage. The loss incurred by selling 16 meter of cloth equals the selling price of 4 meter of cloth. Hi Shivai, thanks man. आप ही लोग हो जिसकी बदौलत मैं मोटिवेटेड फील करता हूं और मैं ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूं. बाकी देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जिनको देख के ऐसा लगता है कि इनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, पढ़ने के लायक नहीं है. ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? इट्स जस्ट दैट कि देर आर फ्यू गुड स्टूडेंट्स अबाउट हुम व्हेन आई थिंक आई फील के नहीं यार आई शुड कंडक्ट सेशंस ऑन यूट्यूब फॉर देम. Like we have Siddharth, we have Jignesh, we have Ankit, Milish, Mili always there, very sincere student. And there are so many other students guys. मैं सिर्फ कुछ नाम बता रहा हूँ. Anchal Gupta, very regular. Vaibhav, if I'm not wrong, is the same Vaibhav. Yes. और भी काफ़ी सारे students हैं, बहुत regularly attend करते हैं, very disciplined students. मज़ा आता है. Jyoti, yes. Shalini, absolutely. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं. मयंक, ये क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो दोस्तों, ये क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा. मैंने पहले ही कहा कि ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 16 मीटर ऑफ क्लॉथ. लेट्स अज्यूम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर इज वाई. तो गाइस सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मीटर क्या होगा? कैन आई से 16 वाई? Yes, ध्यान से सुनो दोस्तों, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, लिसन टू मी केयरफुली, नहीं तो इसके अंदर गड़बड़ी हो जाएगी. ठीक है, मेरा सेलिंग प्राइस क्या है? 16y. मुझे लॉस कितना गया है? 4y के बराबर. माई लॉस इज 4y, सो वॉट शुड बी माई कॉस्ट प्राइस? गाइज यहां पे मैं एड करूंगा. पिछले क्वेश्चन में आप क्या करते हो, प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट करते हो तब कॉस्ट प्राइस मिलता है. यहां पे आप लॉस को इसमें एड करो. ठीक है, सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हो तब कॉस्ट प्राइस मिलता है. डू यू अग्री विद दिस गाइस? यू नो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करना है. तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 20y. गाइस 20y पे मुझे 4y का लॉस हुआ. तो कहने से लॉस परसेंटेज इट्स नथिंग बट 20%. Wasn't that an amazing question, guys? क्या ये चमका सबको दोस्तों? तो जल्दी से we need 4 likes, guys. Dislike तो अच्छे खासे आ गए, जल्दी से 4 like कर दो so that we can cross 50. Let's reach to 50 likes. Come on, guys. Yeah, Harshita, why are you laughing? What happened? Yeah, so guys, answer is 20%. ठीक है, answer is 20%. अच्छा एक और चीज बताता हूं, जिन लोगों ने जस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू किया है ना दोस्तों और मेरा बेसिक्स ऑफ मैथ्स थोड़ा बहुत अटेंड किया है, आप शाम को 6 बजे से फॉर्मूला सीरीज अटेंड कर सकते हो 6 PM से. तो एटलीस्ट सारे अलग अलग टॉपिक के फॉर्मूले आपको याद रहना शुरू हो जाएंगे दोस्तों. एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट और IPMAT दोनों के लिए हेल्पफुल है. ठीक है, सो ये फॉर्मूला सीरीज 6 PM का जरूर से अटेंड करना, फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको. ठीक है, फिर आप चाहो तो वो फॉर्मूला जो भी आपको नहीं पता है जिसका कॉन्टेक्स्ट मैं थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और आप चाहो तो फिर उसका वीडियो भी देख सकते हो. तो उसके सारे वीडियो अवेलेबल, जैसे आज से मैं नंबर्स के फॉर्मूले शुरू कर रहा हूं, तो 2 सेशन के अंदर हम सारे नंबर्स में जितने भी अलग अलग फॉर्मूले आते हैं
इट कैन बी अ सिंपल फॉर्मूला लाइक एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी. इट कैन बी नंबर ऑफ को प्राइम्स ऑफ अ नंबर. इट कैन बी यू नो फॉर्मूला फॉर रिमाइंडर थियरम, विल्सन्स थियरम, फॉर्मेट्स थियरम, जो भी है सिर्फ फॉर्मूले उसमें कवर हो गए. राइट, तो ये सबके लिए यूजफुल होगा. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी देयर एट 6 PM. तीन सेशन मेरे अगर आप अटेंड करते हो, चाहे आप प्लस स्टूडेंट हो या फ्री स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. 12 बजे, 4 बजे एंड 6 बजे. 4 बजे आपका डेली DILR का प्रैक्टिस हो जाएगा, 12 और 4 आपका कॉन निपट जाएगा. ठीक है ना? ओके, चलो फाइन, ग्रेट, अभी चमक गया सबको. सो गाइज, मैं फिर से बता देता हूं, आई एम स्टार्टिंग दिस फॉर्मूला सीरीज ऑफ क्वांट. ठीक है, 6 to 7 PM YouTube पे कैट एंड आई पी मैट दोनों के लिए हेल्पफुल है. बेसिक्स ऑफ मैथ्स हर रोज 12 बजे चलेगा. बेसिक्स ऑफ LRDI 4 बजे. सो बेसिक्स नहीं है ये, नॉर्मल LRDI बेसिक पार्ट खत्म हो गया, अभी हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. सो 4 बजे हम प्रैक्टिस करेंगे और मेरे प्लस बैचेस भी है, प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप एज वेल. सो कीप लर्निंग गाइस, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स एन ईजी क्वेश्चन. कौन पहले आंसर बताएगा? चार बजे वाला सेशन हर्षिता ऐप पे होता है, 12 बजे और 6 बजे वाला सेशन YouTube पे होता है. यस यस मिली, जिसने टॉपिक पढ़ लिया है वो भी कर सकता है, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो भी अटेंड कर सकता है, क्योंकि जिसने कर लिया उसका फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा, और जिसने नहीं किया है उसको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि इतने सारे फॉर्मूले हैं. फिर आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो. आई विल मेक द PDF अवेलेबल ऑफ ऑल द फॉर्मूले, तो आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो. राइट, चलो गाइस, प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस. मयंक इज सेइंग सर CP20Y कैसे? अरे मयंक, यू नो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कॉस्ट प्राइस होता है. तो हमारी सेलिंग प्राइस 60Y थी, लॉस वॉज इक्वल टू 4 मीटर क्लोथ का सेलिंग प्राइस, दैट इज 4Y. तो 16Y प्लस 4Y इज 20Y. कॉस्ट के ऊपर हम लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, इसलिए हमने ऐसे कैलकुलेशन किया था. ठीक है, राइट. फॉर्मूला सीरीज आज से शुरू हो रहा है दोस्तों, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे. ठीक है, सो प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस. The successive discount 20% and 15% are equal to a single discount of what? बहुत ही आसान है, हमने अभी किया था 20 plus 15, मैंने आपको ऑफर भी दिया था. क्या जाएगा? 32% guys, 32%, 38% नहीं होता है मेरे लालो, 32% होता है दोस्तों. राइट, यस, ओके, आंसर इज 32%. चलो लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा. आई विल गिव यू होमवर्क फॉर टुडे, आप उसके आंसर सॉल्व करके कमेंट्स में डालोगे. आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल पोस्ट द आंसर इन कमेंट्स. ठीक है, तो जो होमवर्क क्वेश्चन में दूंगा गाइस, उसके आंसर आप कमेंट्स में डालोगे. यस प्रिया मॉन्डल, बेसिक्स ऑफ मैथ्स इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस बेसिक्स ऑफ मैथ्स सीरीज. वो सीरीज में हमने ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा था, इसके अंदर हम प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, वे सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस. ओके, यस, यस अपूर्वा, वी ऑलवेज टेक कॉस्ट प्राइस इन द डिनोमिनेटर, वी ऑलवेज पुट कॉस्ट प्राइस इन द डिनोमिनेटर. ठीक है,
यस, ये क्यों ड्रॉ किया है। ठीक है गाइस, अब जितना कीचल उछाड़ोगे ना कमल उतना ही खिलेगा, ये याद रखना। भाजप और मेरा प्रिंसिपल सेम ही है। ठीक है, आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि इट्स द सेम। अब जितनी डिसलाइक करोगे उतना ही सेशन और पॉपुलर होगा दोस्तों। ठीक है, लोगों को और पता चल रहा है। राइट, सो एनीवेज आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके गाइस, इसका आंसर क्या आएगा? आफ्टर अ ट्रेडर फाउंड दैट आफ्टर अलाउविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, द सेलिंग प्राइस इज 6,800 फॉर एन आर्टिकल। हैड ही सोल्ड इट एट मार्क प्राइस ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60%। ठीक है, सो गाइस यहां पे मार्क प्राइस है, अगर वो 15% डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस पे, ठीक है, अगर वो 15% डिस्काउंट दे देता है तो वो कितना सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 85Y। तो ये आपको दिया हुआ है 6,800। बहुत ही आसान है गाइस, 17 5 17 फोर जा, सो वाई आपका कितना आ जाएगा गाइस? तो इट विल बी 400/5, सो वाई विल बी 80। ठीक है, भाई आपको 80 मिल गया। नाउ हैड ही सोल्ड इट एट मार्क प्राइस ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60%। अगर मैं मार्क प्राइस पे ही बेचता, मतलब 8,000 रुपये में बेचता, आई वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 60%। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल गाइस, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? राइट, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? नाउ गाइस लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वे। मैं यहां पे लिख देता हूं मार्क प्राइस 100Y, डिस्काउंट गाइस डिस्काउंट आ जाएगा 15Y, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 85Y। ध्यान से देखो, ठीक है, विच इज गिवन है 6,800, तो इससे अभी मुझे ये मिल जाएगा 8,000। राइट, अभी मुझे क्या लिखा है? हैडी सोल्ड इट एट मार्क प्राइस ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60%। तो यहां पे गाइस कॉस्ट प्राइस अगर मैं कुछ ले लेता हूं तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कैन आई से दिस मार्क प्राइस इज 60% अबव द कॉस्ट प्राइस? गाइस क्या ये समझ में आ रहा है? मार्क प्राइस इज 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? 8,000 डिवाइड बाय 1.6, गाइस ये आपका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अगर कोई चीज 60% ऊपर है, 60% इंक्रीज करी है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको वापस लाना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 1.6 से डिवाइड कर देंगे। तो गाइज ये कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा आपका। दैट्स योर आंसर। इनफैक्ट मेनी स्टूडेंट हैड आंसर्ड इट करेक्टली। द फर्स्ट वन टू आंसर वॉज अनिरुद्ध। अनिरुद्ध वॉज द फर्स्ट वन टू आंसर इट करेक्टली, एंड देन वैभव हैज ऑल्सो आंसर्ड इट करेक्टली, देन शुभ, ईजान, सिद्धार्थ, सबने अभी सही आंसर दिया। 5,000 इज द आंसर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं गाइस, यहां पे देख लो, अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो कॉस्ट प्राइस आपकी जो भी है, सपोज 100x ले लेते हैं, ठीक है, मार्क प्राइस अगर मैं मार्क प्राइस यहां पे 60% ऊपर रखता हूं, मतलब 160x हो जाएगा। तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1.6 करना पड़ेगा। So, ये मुझे 8,000 दिया था, मुझे ये फाइन करना था, तो कैसे मिलेगा? तो 8,000 डिवाइड बाय 1.6 कर दिया, तो दैट विल बी 5,000। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहां तक रखते हैं। नाउ लेट मी क्विकली शो यू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, देन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ क्वेश्चन। सो 8 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। इनफैक्ट एक और है, 9 एंड 10 पूरे ही कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। सो प्लीज सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर आंसर विद द स्क्रीन शॉट ऑन द ग्रुप। आप ग्रुप पे भी पोस्ट करके वेरीफाई कर सकते हो, आप कमेंट में भी आंसर पोस्ट कर सकते हो अपने। आर यू ऑल क्लियर गाइस? क्विकली शो मी अ थम्स अप इफ यू ऑल एंजॉयड द सेशन। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आप इसे, काफी सारे लोग ऐसे हो गए जिनके फ्रेंड्स को भी ऐसे बेसिक्स ऑफ मैथ सेशन की जरूरत है, तो प्लीज उनको ये लिंक शेयर करो अलग अलग ग्रुप में,
ये पूरा जो प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ मैथ्स का, उसको जितना हो सके उतना स्प्रेड करो अलग अलग ग्रुप में. यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट ऑन योर फेसबुक वॉल और इंस्टाग्राम पोस्ट, और बताओ कि इफ यू आर लुकिंग फॉर बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्स फॉर कैट और आई पी मैट, डेफिनेटली वॉच दिस सीरीज सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस. राइट, लेट्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर. कीप लर्निंग गाइस. प्लस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन पिंग मी एट रोनक अंडरस्कोर लाइव. ठीक है, आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो बट डेफिनेटली प्लस के अंदर आपको मेंटरिंग मिलेगा विच इज ऑल्सो नेसेसरी. बाकी आपके ऊपर है. आई नेवर से कि इससे कम मार्क्स आएंगे प्लस ले लोगे तो ज़्यादा आ जाएंगे, मैं इसकी बात ही नहीं करता हूँ. मैं हमेशा ये बताता हूँ कि प्लस में आपको गाइडेंस मिलता है, मेंटरिंग मिलती है विच इज़ नेसेसरी. राइट, नाउ इट्स अप टू यू. ठीक है, सो काफ़ी सारे नए बैचेज आ रहे हैं, आप SHA-10 कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हो. प्राइसिंग देखोगे बहुत ज़्यादा नहीं है गाइस, 12 मंथ्स 22,500 दिस आर प्लस प्राइसिंग. सेम वे आइकनिक कोर्स है जिसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलता है. आइकनिक के अंदर पर्सनल मेंटर मिलता है एंड आइकनिक की प्राइस भी नॉर्मल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्राइस है उससे कम है. सो डेफिनेटली गाइस इट्स वर्थ गोइंग फॉर दैट. दिस आर द URL फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस माई प्रीवियस वीडियोज एंड PDFs, यहां से मिल जाएंगे दोस्तों. कोई भी वीडियो या PDF नहीं मिलता है, फील फ्री टू टैग मी ऑन द ग्रुप. ग्रुप पे टैग करो मुझे @ रोनक अंडरस्कोर लाइव और मेंशन करो कि सर ये PDF इसमें अवेलेबल नहीं है. आई विल गेट इट डन गाइस. दैट्स इट, कीप लर्निंग. नाउ सी यू एट 4 PM देन 6 PM फिर कल वापस 12 बजे. तो ये हमारा साइकिल चलता रहेगा. लेट्स कीप लर्निंग एंड गाइज लेट्स क्रैक इट. ओके, बाय बाय, टेक केयर.